नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 13 से लेके 19 तारीख तक की होगी। ये रीडिंग ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ कप्स, ये बंदा या बंदी जो भी है अभी अपना इमोशन को हाइड कर रहा है, करंटली इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। हालांकि आपको उनको देख के पता तो चल जाता है लेकिन ये अपने तरफ से अपना इमोशन हाइड करके ऑब्जर्व करना चाहते हैं रिश्ते की सारी सच्चाई। देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। द फूल के कार्ड, टू ऑफ कप्स के कार्ड, अरे बाप रे मैजिशियन का कार्ड। उनको लगता है कि आप जो हो बहुत आप अपनी मर्जी से चलने वाला बंदा या बंदी हो, आप किसी के सुनने वालों में से नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हो इंसान को, आप अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहते हो, आप रिस्क लेने वालों में से हो, आप रिस्क लेना चाहते हो। हालांकि उनको ये पता है कि आप उनके सोलमेट हो और आपको भी पता है लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते में अपने मर्जी से रिश्ते को चलाने के लिए हमेशा दूसरों को मैनिपुलेट करते रहते हो, आप जो चाहे वो करते हो। इसीलिए ये फिलहाल अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, ये खुद को रोक नहीं पाते हैं आपके तरफ आने के लिए। लेकिन क्या करें, आपकी जो करंट जो स्थिति है ये उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप किसी की रोक टोक नहीं सुन रहे हो, आप जो मर्जी वो किए जा रहे हो, आपको अपने कर्म पर भरोसा है और गॉड की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर है। आप क्या करना चाहते हो ये सारे टूल्स भी आपके पास हैं, इसीलिए आप अपने तरीके से अपने लाइफ को जीना चाहते हो ऐसा ये सोच रहा है। करंटली ये इनकी करंट फीलिंग्स है या फिर ये ऐसा सोच रहा है जो जो मैंने बताया, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, यही उनकी करंट फीलिंग्स है। लेकिन अगर उनका करंट फीलिंग्स यही है तो कप्स के कार्ड क्यों आए हैं, किंग ऑफ कप्स के कार्ड, ये अपना इमोशन छुपा के आपके सारे हरकतों पर नजर रख रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप जो चाहे मनचला या मंचली टाइप के हो गए हो, आप जो मर्जी वो कर रहे हो, किसी की रोक टोक सुनने वालों में से नहीं हो, आप मैनिपुलेट कर सकते हो उनको। तो ये अपना इमोशन कंट्रोल करके ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, करने दो। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, टॉरस द सन के कार्ड, आप विक्ट्री चाहते हो, न्यू बिगिनिंग चाहते हो, रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, जैसा ये सोच रहे आप इस रिश्ते को विक्टोरियस बनाना चाहते हो, आप उनके बच्चों की माता या पिता बनना चाहते हो। By hook and crook आपको इस रिश्ते में जीत चाहिए, नई शुरुआत करना चाहते हो। आप जो हो अभी एक इनोसेंट एनर्जी में हो, तब क्या आप मांग रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो आपको भी पता नहीं है, लेकिन किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हो ये 100% है। अपने लिए बहुत कुछ सोच रहे हो, ये कर लेंगे वो कर लेंगे जैसे एक बच्चा सोचता है, या फिर आप उनके बच्चों की माता या पिता बनने वाले हो, उस एनर्जी में हो। देख लेते हैं सन के कार्ड क्यों आए हैं, थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपको किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार है, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ हो सकता है। करेंटली आप बाहर जाने के बारे में सोच सकते हो, आप लड़ाई झगड़े से खुद को दूर रखना चाहते हो, परेशानी से खुद को दूर रखना चाहते हो, आप कोई भी परेशानी अपने लाइफ में आने नहीं देना चाहते हो, आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो। रिश्ते में एक नई शुरुआत होनी चाहिए, रिश्ता स्टेबल होना चाहिए, रिश्ते में प्यार होना चाहिए,
अगर ये रिश्ता धीरे धीरे शादी की तरफ जाए, जिनका शादी नहीं हुआ है, तो आप स्टेबिलिटी, हर तरीके से स्टेबिलिटी आप चाहते हो। अभी देखेंगे ये आपकी करंट फीलिंग्स है, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। पेज ऑफ सोर्स, ये क्लैरिटी चाहते हैं। इनके हिसाब से ये क्लियर नहीं है, आप जो कर रहे हो, जो हरकतें आपका है इन दिनों, ये समझ नहीं पा रहा है ये बंदा या बंदी कि आप उनसे प्यार करते हो। हालांकि टू ऑफ कप्स के कार्ड आया है, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आप भी मानते हो, इनको पता है, फिर भी आपके जो हरकतें हैं आजकल, इससे ये बंदा कंफ्यूज है। पेज ऑफ सोर्ट्स के कार्ड ये आपको स्टॉक कर रहा है या फिर आप कर रहे हो, एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। ये क्लैरिटी चाहते हैं, ये क्लियर नहीं है आपके बारे में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये किसी की मदद से काम करना चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स, ये पार्टी शार्टी करना चाहते हैं, दोस्ती पार्टी देना, पार्टी लेना। लेकिन बंदा थोड़ा कंफ्यूज भी है कि आप क्या कर रहे हो, इसीलिए अभी ये रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं। जब उनको क्लैरिटी मिल जाएगी, ये किसी की मदद से भी आगे बढ़ना चाहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी ये काम करना चाहते हैं, ये खुश रहना चाहते हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये खुश रहना चाहते हैं, अपने लिए खुशी मैनिफेस्ट कर रहा है। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, आप किसी कैंसर स्कॉर्पियो किसी टॉरस वर्गो के साथ। ऐसा नहीं कि आप टॉरस हो तो कोई टॉरस नहीं हो सकता, नहीं, टॉरस भी हो सकता है, एरीज हो सकते हैं। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। टॉरस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अब स्लोली स्लोली धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो। आपके पास सब कुछ होना चाहिए, घर बंगला बारी रिश्ता परिवार पैसा, ये सब कुछ आप अपनी मेहनत से कमाना चाहते हो, धीरे धीरे करना चाहते हो, लेकिन सब कुछ चाहते हो आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे फोर ऑफ कप्स, यस, जो आपके पास है उससे आप खुश नहीं हो। थ्री ऑफ सोर्ड्स, द हैंगवन, आप दूसरी तरीके से अपने लाइफ को देखना चाहते हो, जीना चाहते हो, क्योंकि आप ही अपने परिवार के ब्रेड अर्नर हो या फिर बनना चाहते हो, चाहोगे इन दिनों, क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है, आप दुखी हो, परेशान हो, इसीलिए जो रिश्ता आपके पास है उससे आप खुश नहीं हो। आप अपने लाइफ को एक नया नजरिया देना चाहते हो, नया एम देना चाहते हो, नई तरीके से सोचने के बारे में आप सोच रहे हो। कोई एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, कैंसर हो सकता है, इसीलिए जो रिश्ता आपके पास है वो आप को नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए भाई, खुश रहना चाहते हो आप, किसी भी तरीके से खुद को खुश रखना चाहते हो, तरीका कोई भी हो, मतलब कोई गलत नहीं, हंस के गा के पार्टी शार्टी करके दोस्तों के साथ मिलके काम करके पैसे सेविंग्स करके घूम फिर के किसी भी तरीके से अल्लाहपन से आप खुद को खुश रखना चाहते हो, आप दोबारा दुखी नहीं होना चाहते। जो आपका दिल टूटा हुआ था उस दिल की मरहम आप करना चाहते हो, मरहम पट्टी जिसे बोलते हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। सन के कार्ड, दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड, रिश्ते की आउटकम बहुत अच्छा है। दो दो बार सन के कार्ड आए हैं, कोई लियो हो सकता है रिश्ते जिनके साथ आपके हो। विक्ट्री, विक्ट्री मिलेगी या फिर कोई गुड न्यूज हो सकता है आप लोगों की लाइफ में, आप लोग बच्चों की माता या पिता बन सकते हो, इसके चलते आप दोनों रिश्ते में आ जाओगे फिर से। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड भी दो बार आए हैं, क्लैरिटी मिलेगी रिश्ते में, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। 10, 9 of cups, आप लोगों का विश पूरा होने जा रहा है। हो सकता है आप लोग माता पिता बनना चाहते थे तो वो हो रहा है, हो सकता है आप लोग दोबारा से रिश्ते में आना चाहते थे तो वो हो रहा है, जो आप चाहते थे वही आपको मिलेगा, क्योंकि आपने मेहनत इतना किया
इतना शिद्दत से मेहनत किया, इसीलिए जो आप मांग रहे थे, जो आप चाह रहे थे, वो सारा चीज आपको मिल रहा है अभी। और आपके अभी विजन भी क्लियर है कि आपको चाहिए क्या। ऐसा नहीं कि आपको क्या चाहिए आपको पता नहीं। अभी देखेंगे यूनिवर्स ही क्या कह रहा है। लवर्स के कार्ड, आपको डिसीजन ले लेनी चाहिए वरना यूनिवर्स लेना करवाएगा जबरदस्ती। टेन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, आपको अपनी ईगो से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। ईगो के कारण अगर आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, भाई कौन पहले जाएगा, पहल कौन करेगा, तो आपको रोना धोना करना ही पड़ेगा, आपको दुखी रहना पड़ेगा। इसीलिए आपको दुखी नहीं रहना है, रोना धोना नहीं करना है, ईगो से बाहर आना है। ना खुद किसी को ह्यूमिलिएट करो, ना कोई आपको कर पाए। माफ कर दो या माफी मांग लो, खुद को ना रोक के रखो। ईगो कुछ नहीं होता है अपनों के सामने, तो आपको अपनी ईगो को हटाना पड़ेगा और रिश्ते की भी आप में डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों में अट्रैक्शन है, प्यार है। ये रिश्ता जो है, ये पारिवारिक रिश्ता पहले से ही है या फिर बन सकता है या फिर बनने जा रहा है। बच्चे इन्वॉल्व इनमें हो सकता है या फिर बाद में होगा या पहले से ही है, तो उस कारण से ये रिश्ता विक्टोरियस रिश्ता हो गया है। बहुत दिनों से आप सोच रहे हो, रो रहे हो, आपको लग रहा है आपके साथ धोखा हुआ है, ये हुआ है, वो, उसके चलते आप खुद को रोक रहे हो। ऐसा ना करें, खुद को ना रोके आगे बढ़े और कोई डिसीजन ले लिया करें। जो भी डिसीजन आप लोगों ने पेंडिंग रखा है, उस डिसीजन को ले ली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।